फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय अस्थि की प्रधानाध्यापिका आसिया फारूकी द्वारा भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए गांव की महिलाओं व बालिकाओं को स्वयं रोजगार करके आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षिका आसिया फारूकी द्वारा जरूरतमंद महिलाओं व बालिकाओं को निःशुल्क सिलाई व हस्तशिल्प के प्रशिक्षण देने की अनूठी पहल की गई है। शिक्षिका को इस तरह की मुहिम छेड़ने के लिए कई बार राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानाध्यापिका आसिया फारूकी ने बताया कि महिलाओं और लड़कियों के लिए हमेशा कुछ करने का जज्बा रहता है ताकि सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से विकास हो सके। जो लड़कियां अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी हैं और घर में कैद मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण अभियान स्कूल में ही शुरू किया गया है और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना है। वर्तमान समय में 35 महिलाएं और 25 बालिकाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो मेरे पति जो हैं तो वैसे भी बीमार हैं, पैरालाइज हो गई थी, तो बहुत परेशान थे हम लोग। यहाँ मैम ने मतलब वो केंद्र खोला है, तो सिलाई सिखाई जा रही है, तो हम यहाँ सीख रहे हैं कि मतलब हमको कोई दिक्कत ना हो, हम अपने पति के सहारे न रहें, ज़्यादा उनको भी परेशान ना करें, अपना मतलब सीख करके अपना खुद का बिजनेस करें और अपने हाथों से अपने बच्चों को पालें पोसें और उनकी देखभाल कर सकें। सिलाई सीख रहे हैं तो इससे हमें कुछ मदद, बहुत सारी मदद मिलेगी, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, अच्छे से उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनका खर्च घर का उठा सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ सिलाई सीख रहे हैं। सभी लोग घर पे हैं और घर पे बैठे बैठे बोर भी हो चुके हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी सिलाई सीखने के लिए, पर यहाँ पर कोई सिलाई सिखाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो मुझे पता चला प्राथमिक विद्यालय अस्थि में मिसेज आसिया फारूकी मैम सिलाई और कढ़ाई का कैंप लगा के रखी हुई हैं, तो मैं यहाँ आई और यहाँ पर सिलाई सीखना स्टार्ट किया। मैंने 2-3 टेलर रखे हुए हैं जिनके माध्यम से हम लोग अभी बैग बनाना सीख गए हैं। इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी महिलाएं नामांकन कराएंगी, खास करके स्पेशली वो लड़कियां जो घर में हैं, जिनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, उन्हें कॉलेज जाने को नहीं मिल रहा है, घर में मानसिक तनाव से भी ग्रसित हो रही हैं, उनको कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, माँ बाप पे वो डिपेंड हैं, तो उनके अंदर ये बात, ये जज्बा आ गया कि इस तरह शायद हमें भविष्य में कभी रोजगार मिल सके। और हमारी नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए, उन्हें 15-15 दिन की इंटर्नशिप कराया जाए, तो इसके लिए हमने पहले से ही मुहिम शुरू कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आर्थिक रूप से हमारा भारत सशक्त हो, इस सपने में अपना थोड़ा सा योगदान अगर दे सकें तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए ये मुहिम शुरू की है।